साथियों नमस्कार। आज हम एयर स्प्रिंग वाले कोचेज में लगे फीवा डिवाइस के बारे में बहुत ही सरल तरीके से जानने की चेष्टा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, एक कोच में दो बोगी होती हैं, तो हर बोगी पे एक फीवा लगा रहता है। फीवा उन्हीं में लगा रहता है जिनमें एयर स्प्रिंग लगे रहते हैं। तो देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है ये एयर स्प्रिंग है। तीन तरह की फीवा यूनिट हैं, नॉर्की, एस्कॉट्स और फैबले। मोटे तौर पे जान लें कि एयर स्प्रिंग की हवा की निगरानी रखने के लिए ये फीबा के रूप में एक चौकीदार बैठा दिया हर बोगी पर, एक एक। तीन तरह के हैं, इनमें से एक ही होता है और इस पाइप से दोनों और स्प्रिंगों से जुड़ा रहता है फीबा डिवाइस हमारा। एक लाइन डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये कोच में हमारे चार एयर स्प्रिंग रहते हैं जिनके लेवलिंग वाल्व से हवा मिलती रहती है। लेवलिंग वाल्व इसमें इतना ही प्रेशर डालता है कि एयर स्प्रिंग की हाइट हमारी 294 से नीचे और 289 mm तक रहे, और इसमें FP का प्रेशर जाता है। और जैसे ही किसी कारणवश एयर स्प्रिंग की हवा 1 kg/cm² से कम हो जाती है तो ये फीवा डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर पूरी गाड़ी में ब्रेक लगा देता है, और उस बोगी के दोनों साइड में लगे फीवा इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो जाते हैं, और 8 mm की चोक लगी रहती है फीवा डिवाइस में, उससे BP का प्रेशर निकलने की हिसिंग साउंड सुनाई देती है। जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं, ये हमारे फीबा से जुड़ी दो पाइपलाइन हैं जो कि एयर स्प्रिंग से जुड़ी रहती हैं। प्रेशर फीबा में दो पाइप से आता है, दोनों स्प्रिंग से, और फीबा में एक पाइप BP लाइन से और फीबा यूनिट में जुड़ा होता है। जब एक्टिवेट होता है तो BP का प्रेशर यहीं से निकलकर डाउन हो जाता है और पूरी गाड़ी में सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन कर देता है। तो चलिए देखते हैं। ये हम ब्रेक पैनल के पास कोच के नीचे खड़े हैं, अंडर फ्रेम में जो पाइपिंग लगी है उनको देखते हैं। ये FP लाइन है, ये हमारे दोनों ब्रेक सिलेंडर्स के लिए गए ब्रेक पैनल से। ये ब्रेक इंडिकेटर्स की लाइन है दोनों बोगियों के लिए। ये CDTS यानी जो हमारा BVHT में जो पाइप गया है दोनों साइड के लेबोरेटरीज में चला गया। ये हमारा एयर स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए पाइप है BP पाइप, ये हमारा FP पाइप है। तो FP पाइप से ही हमारा एयर स्प्रिंग चार्ज होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से ये जुड़ा हुआ है, एयर स्प्रिंग में कैसे प्रेशर जाता है। ये एक टी जॉइंट लगाया है FP लाइन में, FP का 28 mm का, और ये 25 mm का डाया है जो कि हमारा एयर स्प्रिंग में जाता है। फेरल जॉइंट है, इसमें एक आइसोलेटिंग कोक लगाया गया है। अगर बोगी एयर सस्पेंशन लाइन में लीकेज हो जाए तो इसे बंद कर सकते हैं। ये डर्ट कलेक्टर NRV, इसमें प्रेशर MR टैंक में चला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। ये 150 लीटर का MR टैंक है। इसके बाद जो पाइप कनेक्शन है, देखिए ये टी जॉइंट से दोनों बोगियों की ओर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, दोनों बोगियों में चला गया, और दोनों बोगियों के लिए अलग अलग आइसोलेटिंग कोक लगे हुए हैं। यानी एक कोच में दो आइसोलेटिंग कोक है, हर बोगी के लिए एक आइसोलेटिंग कोक। तो चलते हैं, देखते हैं, ये पाइप गया हमारा बोगी की तरफ चला गया है। आगे टी जॉइंट लगा है जो दोनों एयर स्प्रिंग के लिए बट गया, लेफ्ट और राइट में बट गया है। एक ये फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू लेवलिंग वाल में जुड़ा, देख रहे हैं सामने लेवलिंग वाल लगी है फ्लेक्सिबल पाइप के थ्रू लेवलिंग वाल के ऊपर से टॉप से जुड़ा हुआ है। ऐसी दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं
एक ट्यूब वेंट से, दूसरा पाइप गया लेवलिंग वाल में। तो लेवलिंग वाल क्या है, ये देखिए, ये लेवलिंग वाल है, ये पूरा हिस्सा लेवलिंग वाल है, ये इंस्टॉलेशन लेवर है। इसी की हाइट को ऊपर नीचे करके हम एयर स्प्रिंग की हाइट को कम या ज़्यादा करते हैं। ये नीचे हमारा बोगी फ्रेम पे लगा है और एक ये लेवलिंग वाल पे लगा है जो कि कोच बॉडी पे लगा है। ये देख रहे हैं कैसे कैसे पाइपिंग अरेंज, हमारे टैंक से आया पाइप और ये दोनों एयर स्प्रिंग को जोड़ता है पाइप, बीच में डुप्लेक्स वाल लगी रहती है। ये हमारा मेन रिजर्वायर से आया, फ्लेक्सिबल हॉज पाइप, फेरुल जॉइंट्स हैं जो कि लेवलिंग वाल से होकर एयर स्प्रिंग में चला जाता है। यहाँ आया प्रेशर, ज़रूरत पड़ने पर हवा आएगी। एयर स्प्रिंग की एक्सेस एयर को निकालने के लिए एग्जास्ट पोर्ट दिया है, यहाँ से एयर स्प्रिंग में जाते हैं। ये एयर स्प्रिंग के लिए, ये नीचे से चला गया एयर स्प्रिंग। एक बार फिर से चलते हैं लाइन डायग्राम की ओर, तो समझते हैं जल्दी से। ये देखिए पूरे कोच का लाइन डायग्राम है, ये बोगी वाइज है, इसमें चार एयर स्प्रिंग लगी है, चार लेवलिंग वाल है, दो फीबा इंडिकेटर और ये MR है, FPBP लाइन है। FP लाइन से हमारा जा रहा है, ये डुप्लेक्स वाल है, FP से ही हमारा प्रेशर जाएगा MR टैंक में। MR टैंक से दोनों साइड की बोगियों में चला गया प्रेशर और यहाँ से टी जॉइंट से दोनों तरफ चला गया स्प्रिंग लेवलिंग वाल के थ्रू। ये देखिए ये बढ़ गया, जैसे ज़रूरत पड़ेगी अगर इसमें ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ से बाहर निकल जाएगा, लेवलिंग कम है तो प्रेशर यहाँ से आ जाएगा। तो डुप्लेक्स वाल क्या काम करती है कि अगर एक स्प्रिंग और दूसरे स्प्रिंग के प्रेशर का डिफरेंस 1.5 से ज़्यादा है तो डुप्लेक्स वाल एक्टिवेट हो जाती है। ये हमारा फीबा का सर्किट है जो दोनों एयर स्प्रिंग से दो पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ है और एक लाइन हमारी ये BP से जुड़ी है फीबा में। ये फीबा इंडिकेटर है, दो लगे रहते हैं एक बोगी में। नज़दीक से देखिए दोस्तों, इन सभी एयर स्प्रिंग के चार्ज के लिए FP का प्रेशर होता है, BP लाइन से कभी चार्ज नहीं होता है फीबा इसमें। कभी भी अगर किसी कारणवश अगर हमारा एयर प्रेशर एयर स्प्रिंग में नहीं जाता है तो फीबा एक्टिवेट हो जाता है। देखिए ये फीबा की लाइन है, कहीं भी अगर कोई भी लीकेज हो जाएगी तो हमारा एयर स्प्रिंग में प्रेशर कम जाएगा, इसके कारण इसका प्रेशर 1 kg से कम हो जाएगा और हमारा फीबा एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम हो जाए तो हमारा फीबा एक्टिवेट हो जाता है। लेवलिंग वाल का काम पहले ही बताया था कि एयर स्प्रिंग की हाइट को मेंटेन करके रखता है, 289+5 mm। डुप्लेक्स वाल दोनों स्प्रिंग के एयर प्रेशर को बराबर मेंटेन करने के लिए रखता है। जैसे ही 1.5 kg का अंतर हो जाएगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर आना शुरू हो जाएगा। ये जॉइंट दो फीबा के लिए जो सीधे एक फ्लेक्सिबल पाइप से जुड़े हैं, इसमें दो आइसोलेटिंग कॉक भी लगी हैं विद वेंट। अब ये हमारा फीबा है, कब एक्टिवेट होता है तो देखते हैं पहले ये कि कहाँ कहाँ से ये एयर सस्पेंशन लाइन है। ये हमारा एयर स्प्रिंग है, अगर इसमें लीकेज हो जाए MR में, हवा आनी बंद हो जाए FP के, ये दोनों फेरुल जॉइंट वर्कआउट हो जाए, यहाँ से ये पाइपलाइन है, यहाँ फेरुल लगा है, अगर ये दोनों फेरुल जॉइंट निकल जाए, ये भी फेरुल है इस पाइपलाइन पे, एयर स्प्रिंग ब्रस्ट हो जाए या लीकेज हो जाए, ये लेवलिंग वाल के ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप लगा है, ये किसी कारणवश कट जाए या लीकेज हो जाए जॉइंट, ये लेवलिंग वाल में हॉरिजेंटल लीवर इंस्टॉलेशन लीवर टूट जाए, इनसे लीकेज हो जाए, तो हमारा
एयर स्प्रिंग का प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ जाके फीवा हमारा फिर एक्टिवेट हो जाता है। और बीपी लाइन, जो बीपी लाइन से ये पाइपलाइन जुड़ी है फीवा में, वहाँ से 8 mm के चौक से बीपी का प्रेशर गिरना शुरू हो जाता है और हिसिंग साउंड आना शुरू हो जाता है। देखिए आप नज़दीक से देखिए, हमने चौक भी दिखाई, ये दोनों आइसोलेटिंग कोक हैं इसकी। और ये हमारे दोनों इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो जाते हैं, हिसिंग साउंड आएगी, पूरी गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं, सर्विस ब्रेक अप्लीकेशन यानी 1.6 केजी तक प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि फीवा इंडिकेटर उसी बोगी के रेड होंगे, लाल होंगे, जिसका फीवा ऑपरेट हुआ है, और ब्रेक इंडिकेटर सभी कोचिज के ग्रीन से रेड हो जाएंगे। तो अगर ड्राइवर और गार्ड या किसी भी एस्कॉर्टिंग स्टाफ को पता करना है तो पता तभी चलता है कि किस कोच से हिसिंग साउंड आई है और किस बोगी के फीवा इंडिकेटर रेड हुए हैं। हाँ, फीवा के माल फंक्शनिंग पर भी फीवा एक्टिवेट हो जाता है। तो अब चलते हैं कोच के नीचे दोबारा से। देखिए ये डुप्लेक्स वाला जो दोनों स्प्रिंग को जोड़ती है और एयर स्प्रिंग से नीचे प्रेशर आ रहा है जो फीवा यूनिट में गया है, और दूसरा पाइप दिखा रखा है दोनों एरो जो ये फ्लेक्सिबल पाइप है। देखिए ये एयर स्प्रिंग से आ रहे हैं दोनों पाइप और फीवा यूनिट की तरफ गए हैं, दोनों पाइप साथ साथ चल रहे हैं। ये यहाँ से आए हैं, जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप कनेक्शन, ये यहाँ से आए स्प्रिंग से, आइसोलेटिंग कोक विद वेंट होल, और ये फीवा यूनिट में चले गए दोनों। ये पीछे का व्यू है, ये हमारा फीवा पैनल है, फीवा पैनल के साथ इंडिकेटर भी लगा है। इसका कवर हमने निकाल दिया, देखिए ये नोर का है, एस्कॉर्ट्स का अलग होता है और फैबले का अलग रहता है। तो देखिए पीछे से एक पाइप गया है, बीपी पाइपलाइन में जुड़ा हुआ है, ये हमारी 8 mm की चौक है जो बीपी प्रेशर को निकालती है, एग्जास्ट यहीं से होता है अपना। ये आइसोलेटिंग कोक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब कभी भी एक्टिवेट होता है तो सबसे पहले इसी को बंद कर दें, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारा बीपी लाइन से। तो बंद करते हैं तो बीपी प्रेशर ड्रॉप होना बंद हो जाता है। ये देखिए मेन बीपी लाइन दिखाई गई है, फीवा पैनल, और ये हमारे एयर स्प्रिंग की गाड़ी से किस पोजीशन पे लगा है। देखिए ये एयर बेलो है, ये कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, ये नोर मेक के फीवा पैनल पर लगे विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं, जैसे कि डबल चेक वाल, स्टॉप वाल हैं या पिस्टन वाल हैं, उनके बारे में बताया गया। और ये फीवा ऑपरेट होने की पहचान लिखकर बताई गई है, और फीवा एक्टिवेशन के क्या कारण हैं, उनके क्या संकेत और निवारण बताया गया है। अगर एयर स्प्रिंग की लीकेज ठीक नहीं की जा सकती तो गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1000 किलोमीटर तक या किसी CNW पॉइंट तक चलाया जा सकता है। फीवा आइसोलेट करने का तरीका बताया गया है। अलग अलग मेक के डायसिस को अलग अलग तरीके से आइसोलेट करते हैं या रीसेट करते हैं। नोर डिवाइस में एक नॉब लगी रहती है, इसको
वर्टिकल से हॉरिजेंटल में करके हम आइसोलेट या रीसेट कर सकते हैं। ये एस्कॉर्ट्स का है जिसमें तीन रिंग लगे हुए होते हैं, पहले लेफ्ट का खींचें, फिर एक्सट्रीम राइट और फिर सेंटर वाला खींचकर इसको हम रीसेट कर सकते हैं। FTIL यानी फेवले के मेक में दो नॉब लगी रहती है जिनको एक साथ दबाकर जब तक ग्रीन नहीं हो जाए रीसेट कर सकते हैं। ये तीनों का लिखकर बताया गया। दोस्तों आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।